मेरा नाम विष्णुदास कुलदीप है, मैं कुंडागांव जिला का जिला अध्यक्ष हूँ। अब हमारा तो मांग एक ही है अंशकालीन से पूर्णकालीन, इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारा मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कृपा करें, क्योंकि हमारा दैनिक स्थिति कमजोर हो चुका है। हम लोग छोटे कर्मचारी हैं, इसलिए सरकार हमारा मांग नहीं सुन रहा है, ये अलग बात है। लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग 2500 रुपये हम परिवार चलाने में हमको कितना तकलीफ होता है, सरकार को समझना चाहिए। लेकिन सरकार नहीं समझ रहा है, और बेरोजगारी बस भत्ता है जो देने को अभी सरकार बोल रहा है, जो 2500 रुपया जो कुछ नहीं कर रहा है उसको सरकार 2500 रुपया देगा, और जो हम स्कूल में साफ सफाई कर रहे हैं उसको सरकार 2425 रुपया दे रहा है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्णकालीन करने की प्रयास करें। वो आगामी वो कोंडागांव जिला का मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आगामी हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो ऐसा आंदोलन होगा कि पहले कभी हुआ ही नहीं था। पारिवारिक दृष्टिकोण से तो हम लोग तो तंग हो चुके हैं पूरा, क्योंकि अब सिलेंडर का 1100 रुपया है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हमारा भाई साड़ी ले दो बोलने से साड़ी 2000-3000 का हम कहाँ से देंगे। हम बहुत तकलीफ में है, हमारे बाल बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हम सही। मैं जीवाराम गंधर्व अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ जिला गरियाबंद जिला अध्यक्ष। सर क्या कहना चाहते हैं आज के बैठक में? हमने कहा कहूँ सर, मीडिया के माध्यम से तो हम आज हमारी नियुक्ति 2011 से हुए, आज कम से कम 12 साल हो गए, देखते देखते आज 15 साल के भाजपा सरकार भी चले गए। आज अतक उम्मीद रही समर की आज हुई कल हुई करके, लेकिन देखते देखते आज भाजपा सरकार हम ऐसे साफ करें। हम तो एक छोटा से अंशकालीन सफाई कर्मचारी हैं, झाड़ू और हापिक से साफ करने वाला हैं स्कूल और सेफ्टी क्लब। आज ऐसे साफ करें, बीजेपी सरकार के सत्ता ऐसे साफ हुई जला सब जाना थे, 15 साल में 15 सीट में सीमित गए। जैसे 2018 में हमारा आंदोलन जारी रही से कांग्रेस के सरकार इस आंदोलन जारी रही, वो बीच में कई सारा आंदोलन हुई। वो बीच में हमार एक बाबा जी है टीएस बाबा बोलते कि हमार सरकार आने दो, हमार सरकार आने के बाद जैसे ही हमार सत्ता में आई और 10 दिन में आप मन के जो अंशकालीन पूर्णकालीन कर्म करके बड़े बड़े घोषणा करी, आज ओकर भी सरकार 4 साल पूरा कंप्लीट हो गए, लास्ट छोर में आते अभी बहुत बड़ा बजट है। आज भी हम आशा विश्वास ओकर ऊपर हावे कि जरूर कहीं ना कहीं हमार सभा में आंदोलन में आके अपन मुँह से अपन कुछ घोषणा पत्र मिले रही से, वो घोषणा पत्र के अध्यक्ष रिस्टीएस बाबा जेकर द्वारी जेकर ये में कई बार आए लेकिन हमार कोई अभी तक सुनाई नहीं करी। सर मैं कुरुत ब्लॉक अध्यक्ष नितिन कुमार साहू। सर हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे मंच में टीएस बाबा घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे, हमने नहीं कहा था, टीएस बाबा ने हमारे मंच में आकर कहा था यदि हमारा सरकार बनता है तो हम आपको 10 दिन में नियुक्तिकरण कर देंगे। लेकिन सर अभी तक की 4 साल पूरा बीत गए हैं लेकिन सरकार अभी तक की हमारे बात जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम अभी तक के प्रयास में हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं उससे सरकार से कि एक स्कूल जो है हमारे छोटे छोटे जो बच्चा पढ़ता है साफ़ सुथरा स्कूल का जो झाड़ू पोछा का काम करते हैं स्कूल के सेफ्टी के बाथरूम को तो स्वच्छ है तो सब सही है। मेरा नाम सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूँगा कि मेरा नाम बुगलाल निराला है और सारंगढ़ बिलईगढ़ जिला से जिला संचालक हूँ और सारंगढ़ ब्लॉक से अध्यक्ष हूँ। सरकार को मेरा यही कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यह मेरा और हम सभी का निश्चय है, दृढ़ निश्चय है कि यह हमारा फाइनल मैच होगा, बस यही। मैं सर सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं पुरुषोत्तम कुमार साहू धमतरी जिला अध्यक्ष स्कूल सफाई कर्मचारी से को लेकर आप। मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगा पूरे प्रदेश के स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के बड़े नेता जिला अध्यक्ष कुरुद में आज बैठे हैं तो एक ऐसी ताकत एक ऐसा जुनून पैदा कर रहे हैं कि इस सरकार को अगर आने वाले दिनों में हमारी 10 दिनों में मांग पूरी नहीं करती तो इस सरकार की सफाया करना निश्चित है। ये जो सरकार है हम क्या मांग रहे हैं अंशकालीन को पूर्णकालीन, जिसको उन्होंने खुद अपने लेटर पैड में लिख के दिया है। अगर वो हमारी मांग जो उन्होंने जन घोषणा पत्र में लिखा था टीएस बाबा ने लिख के दिया, अगर वो मांग हमारी पूरी नहीं करती, उनका जो कागज है उनका जो जन घोषणा पत्र चुनाव है उनका जो लेटर पैड है उसकी 1,00,000 कॉपी हम पूरे छत्तीसगढ़ में बांटेंगे ताकि उसकी जो 2000 चुनाव की जो तैयारी है 23 की जो तैयारी है उसमें हम उसकी
पोल खोल देंगे कि आपने अपना जो वादा किया वो वादा पूरा नहीं किया। उसमें आपने पूर्ण रूप से लिखा है कि अंशकालीन सफाई कर्मचारियों को हमारी सरकार बनते ही नियमितीकरण कलेक्टर दर करेंगे करके, उसकी कॉपी हमारे पास में है। अगर वो हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले 10 दिन का समय, अगर सरकार हमारी 10 दिन में मांग पूरी करते तो 20 के बाद बहुत बड़ी आंदोलन देखने को मिलेगा। इतनी बड़ी आंदोलन की जिसकी कल्पना सरकार किए नहीं है, उसको हमारी ताकत का एहसास है लेकिन वो कल्पना किए नहीं है कि इस बार सफाई कर्मचारी क्या कर सकते हैं। और मैं इसी बात को उनको बताना चाहूंगा कि आपकी कल्पना से इस बार सफाई कर्मचारी बहुत बड़ी आंदोलन करेंगे और आपके दिए जन घोषणा पत्र, आपके दिए लेटर पेड को पूरे छत्तीसगढ़ में 1 लाख प्रचिया हम लोग बांटने वाले हैं, ताकि आपकी जो जो घोषणा पत्र है, जो वादा है, जो लेटर पैड में आपने क्या लिखा है और आपने अपने 5 साल में उस वादे को कैसे पूरा नहीं कर पाए, आपकी खामी को हम पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे, जिससे आपकी 2023 के चुनाव में आपकी हार निश्चित हो जाएगी। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा। काका भूपेश जी, हम आपके ही नाती हैं, आप हमारी मांग को पूरा कर दे। भूपेश है तो भरोसा है बोलते हैं ना, हम आपके ऊपर अभी भी भरोसा है कि आप हमारी मांग को पूर्ण कर दे, अन्यथा 5 साल के बाद इस 2023 के चुनाव में आप सत्ता भूल जाएंगे।